कहाँ भाग रहे हो भैया? बैठ लो बैठ लो। आवाज एक ही में आवाज आ रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, यदि मैं कहूं कि सचमुच उत्तर प्रदेश राज्य को जिन्होंने हिंदुस्तान में एक बड़ी ऊंचाई देने का काम किया है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जिन्होंने पार्टी का काम करते हुए भी बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और आप मंत्री के रूप में भी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के और उप मुख्यमंत्री भी श्री ब्रजेश जी पाठक, श्री अरविंद कुमार जी शर्मा ऊर्जा मंत्री, श्री जितेंद्र प्रसाद जी मंत्री लोक निर्माण, पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद में 30-40% डॉक्टर अशोक जी भट्टे, सांसद श्री बिजलाल जी, श्री सत्यदेव जी पचौरी, श्रीमती सुषमा खरकवाल महापौर, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी सरस विधान परिषद, मोहसिन रजा जी, मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान, श्री लाल जी निर्मल, श्री उमेश जी द्विवेदी, ये सारे सदस्य विधान परिषद, श्री बुक्कल नवाब जी सदस्य विधान परिषद, डॉक्टर नीरज वोरा यहाँ के स्थानीय विधायक लखनऊ उत्तर, श्री योगेश शुक्ला विधायक बक्षी तालाब, श्रीमती जया देवी विधायक महिला बलिहाबाद, श्री अमरेश कुमार विधायक मोहनलालगंज, और यहाँ के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर जी मिश्र, अपर मुख्य सचिव श्री महेश कुमार गुप्ता, श्री नितिन रमेश गोकर्ण, अपर मुख्य सचिव श्री अमृत अविया, श्री अजय चौहान प्रमुख सचिव, और डीवाई श्रीनिवास राव महानिदेशक जेनेसिस डीआरडीओ, और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लखनऊ चूंकि हमारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है और बराबर आप लोगों के बीच में भाषण करता रहता हूँ, आज यदि मैं आप सबके बीच यहाँ पर उपस्थित हूँ तो लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए, लच्छेदार भाषण करने के लिए उपस्थित नहीं हूँ, बल्कि जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है केवल उसकी मैं जानकारी देना चाहता हूँ आप सब। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास आज हो रहा है, पहली परियोजना एक है अवध चौराहे पर अंडरपास, उसका आज शिलान्यास हो रहा है। दूसरा है गोसाईगंज बनी मोहन मार्ग पर अनूपगंज में रेलवे क्रॉसिंग संख्या 188 स्पेशल पर 4 लेन रेल ऊपरगामी से ओवरब्रिज बनेगा। किसान पथ से भटगांव डिफेंस नोड संपर्क मार्ग, इसका भी शिलान्यास आज हो रहा है। पक्का पुल से डालीगंज एवं गोमती नदी के ब्रिज तक 2 लेन ROB कम फ्लाईओवर का भी आज शिलान्यास हो रहा है। हनुमान सेतु से समता मूलक चौराहे तक, इसका भी आज शिलान्यास हो रहा है। और इस सीधे रोड कनेक्टिविटी के लिए निषादगंज बंधा का चौड़ीकरण भी हो रहा है। सरोजनी नगर में 100 बेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक SGPGI में 500 बेड का एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर फेज 1 ग्रीन कॉरिडोर के अंतर्गत निषादगंज में सेतु, इसका भी शिलान्यास हो रहा है। ऊपर वाले ताली बजाई नहीं रहे। यह जो नई परियोजनाएं जिनका शिलान्यास हो रहा है उसकी मैंने आपको जानकारी दी, और आगे भी जो भी मैं चर्चा करने जा रहा हूं यह कोई हमारा करिश्मा नहीं है, मैंने कोई बहुत बड़ा कमाल कर दिया है यहां का सांसद होने के नाते। निःसंकोच मुझे मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों, जो कुछ भी लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का पूरा सहयोग पूरा वो न रहा हो, मैं समझता हूं कि यह सब सारे काम किसी भी सूरत में संभव न हो पाए।
अभी ये बैठे बैठे यहां पर पूछ रहे थे मुझसे मुख्यमंत्री जी, और यदि कोई काम मेरी छूटा हुआ हो तो हमको बतलाइए ताकि जल्दी से 2-3 दिन के अंदर। इसलिए जो कुछ भी काम यहां पर हुए हैं उसका श्रेय मैं नहीं लेना चाहता, इसका पूरा का पूरा श्रेय अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को। सांसद होने के नाते एक सहयोगी की भूमिका मैंने निभाई, बस हमारी भूमिका इतनी है। यहां से जो लोग भी हमारे विधायक हैं, त्रिब्रजेश जी पाठक उप मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे यहां के नीरज वोरा जी हैं, और हमारे जो भी यहां के विधायक और जनप्रतिनिधि रहे, दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे यहां योजनाओं को बनाते रहे, उनके सहयोगी राघवेंद्र शुक्ला, ये सब लोग जो मुझे, और आनंद द्विवेदी, मुकेश शर्मा, ये लोग जो मुझे कहते थे वो मैं करता चला गया वहां से जो कोई भी संभव। और आज लखनऊ नगर के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन है, और आज के शुभ दिन लखनऊ नगर के चारों ओर 5,500 करोड़ की लागत से 104 किलोमीटर की 8 लेन की आउटर रिंग रोड पर लोकार्पण किया जा रहा है। और इस संबंध में एक अपील मैं करना चाहूंगा, एक मिनट, यह जो 104 किलोमीटर का जो यह कॉरिडोर यह प्रारंभ हो रहा है उसके बारे में एक अपील लखनऊ वासियों से मैं करना चाहता हूं, कानपुर हाईवे से लेकर हरदोई मार्ग तक केवल हैवी व्हीकल्स न चलें, केवल 15 दिन रुक जाइए, कानपुर हाईवे से लेकर हरदोई मार्ग तक हैवी व्हीकल्स कम से कम 15 दिन रुक जाइए, थोड़ा काम फिनिशिंग वगैरह का इधर उधर का बचा है, मैंने हल्की गाड़ियां जा सकती हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि हैवी व्हीकल्स चलना शुरू किया तो फिर एक नई प्रॉब्लम हो जाएगी। वहां पर स्लैब पड़ी है और उसकी क्योरिंग पीरियड अभी 15 दिन का शेष बचा है, इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, आउटर रिंग रोड के चालू हो जाने के बाद अनुमानतः 1 लाख से अधिक वाहन प्रतिदिन बाहर ही बाहर निकल जाएंगे, लखनऊ शहर के अंदर नहीं आएंगे। नगरवासियों को स्वाभाविक रूप से जाम से यह मुक्ति मिल जाएगी। वहीं दूसरी ओर लखनऊ नगर की बृहद आर्थिक उन्नति की गति तेज करेगा यह आउटर रिंग रोड, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिससे आउटर रिंग रोड के किनारे बहुत सारी योजनाएं स्वाभाविक रूप से प्रारंभ होने वाली हैं, कुछ प्रस्तावित है उसकी विस्तार में चर्चा नहीं करूंगा। लखनऊ कानपुर हाईवे के ऊपर 6 लेन की 66 किलोमीटर की लंबी एक्सप्रेसवे का भी निर्माण तेजी से प्रगति पर है। बनी तक कानपुर हाईवे को 6 लेन चौड़ा किया जा चुका है। अगले वर्ष एक्सप्रेसवे निर्माण पूरा हो जाने के बाद लखनऊ से कानपुर की बीच की दूरी, कान खोल के सुनिए, लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी केवल 40 से लेकर 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। इसी के साथ ही पर्यटकों की भारी आवागमन के फलस्वरूप होटल इंडस्ट्री और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा है तो हॉस्पिटल इकाइयां बड़ी संख्या में स्थापित होंगी। रक्षा उपकरण ब्रह्मोस मिसाइल, आज ही उसका भी मैं लोकार्पण करना चाहता था लेकिन थोड़ा सा कुछ में विलंब हुआ है। लखनऊ के बहनों भाइयों ने, क्या उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने कल्पना नहीं की होगी कि उत्तर प्रदेश की धरती पर ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी, और यह काम भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। यह हमारे कौशल किशोर जी का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, हमारे ये हमारे पड़ोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के, हमारे पड़ोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोग ये कौशल किशोर जी हैं, और आप जानते हैं आपके जो पड़ोसी होते होंगे जरूर आपकी खटपट चलती होगी, लेकिन हमारा एक ऐसा पड़ोसी है कि एकदम बिल्कुल बराबर कदम से कदम मिलाकर हमारा पड़ोसी आगे बढ़ता है। और
ये ब्रह्मोस मिसाइल है, जितने काम शुरू हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, 100 से अधिक एंसिलरी औद्योगिक इकाइयां इससे जुड़ी होती हैं। लखनऊ में इस एक्टिविटी के आने से आईटी इंडस्ट्री इकाइयां भी यहां पर स्थापित होंगी, जिससे यहां के नौजवानों के लिए लखनऊ में ही बड़ी संख्या में काम करने के अवसर प्राप्त होंगे मेरे नौजवानों। इस प्रकार आउटर रिंग रोड ट्रैफिक बाईपास के साथ साथ समृद्धि का भी हाईवे, प्रॉस्पेरिटी का हाईवे, लखनऊ की प्रॉस्पेरिटी का हाईवे ये प्रारंभ हो रहा है। स्वाभाविक रूप से 14वां आर्थिक उन्नति होगी। एक आपको जानकारी मैं देना चाहता हूं, एक नाइट ट्रेंड नाम की एक विश्व स्तरीय एजेंसी जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक उन्नति से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन कर विभिन्न पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट हर तिमाही प्रकाशित करती है, उस नाइट फ्रेंक नाम की विश्व स्तरीय एजेंसी ने क्या कहा है, मैं आपकी जानकारी मिलाना चाहता हूं, कान खोल के सुन लीजिए। ऐसे शहरों की सूची जिनमें शहरी क्षेत्र की भूमि के मूल्यों में सर्वाधिक तेजी से वृद्धि हुई है, फिर से दोहराता हूं, ऐसे शहरों की सूची जिनमें शहरी क्षेत्र की भूमि के मूल्यों में सर्वाधिक तेजी से वृद्धि हुई है, लखनऊ नगर पूरे विश्व में उच्चतम वृद्धि दर वाले 10 शहरों में शामिल है। आउटर रिंग रोड उससे जुड़े हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से जहां दूरगामी ट्रैफिक की तेज गति की व्यवस्था की गई, वहीं जितनी तेज गति उतनी तेज प्रगति का सिद्धांत अपनाते हुए आंतरिक ट्रैफिक को भी तेज गति और सुगम बनाने के लिए लगभग 20 फ्लाईओवर की स्वीकृतियां कराई गई हैं। अभी केवल 12 या 13 12 बने हैं, अभी 8-9 फ्लाईओवर और बनने हैं जो स्वीकृत हैं, यह मत मानना कि केवल आश्वासन है, स्वीकृत हैं, वो भी बन जाएंगे। और वैसे मुंशी पुलिया और खुर्रम नगर पर 2 फ्लाईओवर अप्रैल माह के अंत तक पूरे हो जाएंगे, इसी अप्रैल चुनाव होता रहेगा, आप वोट डालते रहेंगे, उधर दोनों फ्लाईओवर भी पूरे हो जाएंगे। अभी कल अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों हेतु एक विश्व स्तरीय एयर टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है, टर्मिनल बिल्डिंग 3 का लोकार्पण कल ही किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई आवागमन में तेजी से वृद्धि होगी और इस प्रकार जितनी तेज गति से उतनी ही तेज प्रगति के आर्थिक उन्नति के सिद्धांत हेतु सभी आवश्यक रणनीति धरातल पर आ चुकी है और लखनऊ तेजी से समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर है। इसके लिए मैं फिर से अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के सारे जितने ऑफिशियल्स हैं, जितने अधिकारी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से सहयोग किया है, जिस प्रकार से उन्होंने रुचि ली है, उसकी भी मैं अपनी तरफ से प्रशंसा करता हूं। डीआरडीओ लैब के बारे में अभी आपको जानकारी दी गई है, डीआरडीओ लैब अब जब पूरी तरह से वो एक्टिवेट हो गई है, मतलब क्रियाशील होने जा रही है, उसका भी लोकार्पण आज आप सबके सामने ये हो गया है, अभी तो आए नहीं है ना प्रधानमंत्री जी। ये हमारे छावनी में रहने वाले जो निवासियों के लिए भी कई सुविधाएं, अब सीवरेज सिस्टम लखनऊ द्वारा निर्मित स्थापित 5.05 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी आज ये लोकार्पण हुआ है। मैं सभी परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए महानिदेशक रक्षा संपदा श्री जी एस राजेश्वरन, GOCNC मध्य कमान लेफ्टिनेंट जनरल NS राजेश सुब्रमणी, प्रधान निदेशक रक्षा संपदा मध्य कमान श्रीमती भावना सिंह एवं लखनऊ छावनी के समस्त जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों कर्मचारियों को इसके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। DRDO के बारे में आपको जानकारी सब कुछ मिल चुकी है, इसलिए ज्यादा मुझे इस संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे नौजवानों को इससे क्या क्या सुविधाएं आप सबको प्राप्त होगी। इसलिए अब इस अवसर पर कल एक आपको और जानकारी देना चाहता हूं, कल लखनऊ में जो कौशल महोत्सव 2 दिनों से चल रहा था, आपको जानकर खुशी होगी लखनऊ और अड़ोस पड़ोस के जिले, इसमें कुछ उत्तर प्रदेश के अन्य जिले भी शामिल हैं, कल 6,300 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, रोजगार मिला, और इसके पहले भी इस प्रकार के कार्यक्रम यहां लखनऊ में हुए हैं।
बसना है और कुछ जाना है, रहने दे। नहीं आप, चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप सबको। एक बार, अरे भाई एक बार फिर से, एक बार फिर से, अरे भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठे बैठे, अरे बैठ, एक बार, अरे बैठ बैठ, अच्छा बोलिए भारत माता की। एक बार आप लोग, जैसा मैंने कहा कि जो भी काम या तारे हुए हैं, इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत सहयोग है, इसलिए उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आप सब हाथ उठा के सभी आप लोग तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।